अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका मेजबान शादाब अहमद फिर एक नए वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। ये वीडियो कुछ न्यू कंटेंट के साथ है, उम्मीद है आप सबको पसंद आएगी। तो दोस्तों जो भी देख रहे हैं, अगर आप एक यूट्यूबर हैं, अगर आप एक सिंगर हैं, आप एक नात ख्वाह हैं या कुछ और भी है, आपको जरूरत है एक माइक की। मैं सजेस्ट करूंगा कि बोया माइक लें। ये वीडियो प्रमोशन वीडियो नहीं है, जस्ट एक सजेशन वीडियो है ऑडियंस के लिए। जो भी माइक की तलाश में है तो क्वेश्चन रहता है कि कौन सा माइक प्रेफर करें, कौन सा नहीं प्रेफर करें। तो बड़े से बड़े यूट्यूबर भी बोया माइक के लिए प्रेफर करते, तो आप भी प्रेफर करें बोया के लिए। और जो भी इसका ऑडियो क्वालिटी है, एकदम से ऑडियो मस्त फ्लो होता है। बैकग्राउंड जो नॉइजेस रहते हैं एकदम से डिडक्ट भी कर देता है। ओयो माइक का और एक एडवांटेज ये है कि आप अपने DSLR के साथ ही साथ अपने फोन में भी इस्तेमाल आराम से कर सकते हैं। और जो प्लग दिया हुआ है DSLR के साथ, फोन का भी प्लग दिया हुआ है। और ये आपको जो ओयो माइक है, आपको रीजनेबल रेट में ये माइक मिल जाएगा। आप आसानी के साथ अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं या ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं बिना ज्यादा बैकग्राउंड नॉइस से। इस वीडियो में जो भी बोया माइक की जो इक्विपमेंट है, जो भी जो इंस्ट्रूमेंट दिया है, आपसे अनबॉक्सिंग करके आपके साथ शेयर करूंगा। और भी इसके साथ ही साथ जो एक ऑर्डिनरी माइक है, जैसे कि मेरे पास एक ऑर्डिनरी माइक है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक ऑर्डिनरी माइक है और एक बोया माइक। इसे चलिए इसे अनबॉक्सिंग करते हैं। जो भी इसके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं माइक के, आपको इसका भी वीडियो शेयर करूंगा। और जो भी जो ऑडियो क्वालिटी है बोया का, वो भी आपसे शेयर करूंगा। तो अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करके ऑन नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि हर एक आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए आपको बोया और एक ऑर्डिनरी माइक का डिफरेंस, जो ऑडियो फ्लो होता है, जो बैकग्राउंड रिडक्शन होता है, आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको इस ऑडियो में थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट करके बताएं, ताकि मैं और एक वीडियो इसके ऊपर बनाऊं कि ऑर्डिनरी माइक और एक बोया माइक का डिफरेंसेस। क्राउड में जाके इंशाल्लाह रिकॉर्ड करेंगे तो आपको और भी ज्यादा समझ में आएगा। तो आप देखना चाहते तो इसका पार्ट टू क्राउड में जाके एक ऑर्डिनरी माइक और एक बोया माइक का जो डिफरेंस ऑडियो फ्लो होता है, जो बैकग्राउंड रिडक्शन होता है, आपको उस वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं कि आपको भी इसमें और भी अंडरस्टैंड हो सके कि क्या डिफरेंसेस है। चलिए इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। इस वीडियो को लाइक कर ले यार, आगे शेयर कर दे, ताकि जो भी प्रिफर करना चाहते हैं माइक के लिए, जो तलाश में विच इज द बेस्ट, विच इज द बेस्ट ऑडियोबल माइक, तो बोया माइक की तरफ जाए इंस्टेड ऑफ दिस ऑर्डिनरी माइक। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं इसके और क्या क्या इसमें जो इक्विपमेंट्स हैं बोया बाय हाइफन M1 का, जो भी इसमें जो कुछ दिया है, चलिए देखते हैं। इसका तो कुछ यूज नहीं है, छोटा सा क्लिप भी दिया हुआ है जैसे कि आप देख सकते हैं। ये इसमें खास बात ये है कि बोया में इसे DSLR पे भी अटैच कर सकते हैं। ये देख सकते हैं कि ये पिन जो कि DSLR में भी अटैच हो सकती है, और आपके फोन में भी इसका पिन दिया हुआ है, DSLR में भी इसमें अटैच कर सकते हैं। और एक फॉर्म दिया है जैसे कि आप माइक में लगाने के वास्ते। और चलिए और देखते हैं इसमें। तो जैसे कि आप देख सकते हैं एक बेहतरीन पाउच दिया गया है, बोया का ब्रांड एकदम से छकाछक, एकदम से बेहतरीन पाउच है बोया का, एकदम ओरिजिनल टाइप में है जैसे कि आप देख सकते हैं। चलिए और चीजें देखते हैं और क्या क्या दिया है। और कुछ नहीं है, जस्ट रीडिंग बुक है, इसका तो हमें काम नहीं है, जैसे कि मैं वीडियो में बता ही दूंगा इसका। चलिए और देखते हैं कुछ, जस्ट स्टिकर से एक कार्ड है, इसका तो कुछ यूज नहीं है हमें। तो चलिए देखते हैं पाउच के अंदर और क्या चीजें दिया गया है।
बेहतरीन से पहुंचे। यही है माइक, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये माइक 3 मीटर्स लॉन्ग है, एकदम देखते काफी बड़ी लेंथी वायर है, काफी लेंथी वायर है, 3 मीटर्स लेंथी वायर दिया गया है। और इसके साथ जैसे कि मैं पहले ही बताया, आपके फ़ोन में डायरेक्टली इंसर्ट करके आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। आपका जो बैकग्राउंड नॉइजेस हैं एकदम से रिडक्ट कर देगा। और इसका जो एडवांटेज है, इसे DSLR, जैसे पहले ही मैं बताया इसका DSLR है, DSLR में भी इसे यूज़ किया जा सकता है। तो इसी के जैसे कि आप देख सकते हैं, एक छोटा सा डिवाइस इधर बीच में दिया गया है, जैसे प्रोसेस वाइज के लिए आप इधर देख सकते हैं कि ऑप्शनल है इधर कैमरा और एक हॉफ स्मार्टफोन। आप स्विच कर लेंगे तो ये कैमरे का हो जाएगा, यानी DSLR का। अगर इधर एक कर लेंगे तो स्मार्टफोन का हो जाएगा, यानी कि ये हॉफ साइड है। आपको और एक शेल भी दिया जाता है, जैसे कि मैंने DSLR के लिए शेल ज़रूरी है, जैसे कि आप स्विच ऑन चलिए पहले ये जो भी क्लिप्स हैं ओपन कर लेते हैं, इसके बाद आपको और भी डिटेल्स में आराम से बता सकूंगा। जैसे कि आप देख सकते हैं क्लिप और एक सेल है, इसके साथ सेल भी दिया गया है, ऑलरेडी मैं इंसर्ट कर चुका हूँ। तो अभी चलिए जो भी है इसका फॉर्म रख देते हैं। तो अभी जो है इस डिवाइस पे, इस गैजेट पे आप सिंपली से ओपन कर देंगे रोटेट करके, तो आपको इधर एक सेल का ऑप्शन भी मिल जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं मैं इंसर्ट किया हुआ हूँ, जैसे कि आप सेल देख सकते हैं। तो इसी सेल इसलिए लगाया जाता है कि क्योंकि ये DSLR, अगर आप DSLR पे प्लग करते हैं, अगर आप DSLR पे प्लग करते हैं तो ये छोटा सा प्लग है, तो आप इसमें प्लग कर सकते हैं, जैसे ये प्लग हो गया है। और इसका जो प्लग है आराम से आप DSLR पे प्लग करके आराम से रिकॉर्ड कर सकते हैं विदाउट एनी बैकग्राउंड नॉइज़ से। अगर आप यही आप अगर फ़ोन में कर रहे हैं तो ये DSLR का जो प्लग है निकाल के बाजू में रख दें और आराम से आप अपने फ़ोन में ये इस्तेमाल कर सकते हैं डायरेक्ट इंसर्ट करके। और वायर का लेंथ भी एकदम 3 मीटर्स दिया हुआ है, तो टेंशन की बात ही नहीं है। और इसका माइक जैसे कि आप देख सकते हैं, और इसका फॉर्म भी दिया है। चलिए अभी इंसर्ट कर लेते हैं। अभी ये क्लिप इधर अटका लेंगे, हमें इधर अटका देंगे तो ये बन गया क्लियर से, आराम से ये अभी हमारे अभी आराम से ये हो जाएगा। जैसे कि आपने देखा ऑलरेडी सिम इंसर्ट है और इसका कैमरा ऑन, यानी DSLR का, और ये स्विच ऑफ। अगर आप DSLR यूज़ कर रहे हैं तो ऑन कर लें, नहीं तो मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो ऑफ करके रख लें। अगर अभी कैम अपने फ़ोन में यूज़ कर रहे हैं तो इसे अपने फ़ोन में डायरेक्ट प्लग कर सकते हैं। अभी आप DSLR में यूज़ करना चाहते हैं तो ये पिन प्लग कर लें और आराम से आप DSLR का पिन प्लग आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अभी डिफरेंस देखते हैं, बोया का जो माइक है इसका डिफरेंस और एक ऑर्डिनरी माइक, उसका डिफरेंस आपको मैं इसी वीडियो में बताऊंगा, तो चलिए देखते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया था कि बोया माइक और एक ऑर्डिनरी माइक का टेस्टिंग करेंगे। जैसे कि मेरे हाथ में लेफ्ट साइड में एक ऑर्डिनरी है और एक मेरे राइट हैंड पे आपको बोया का माइक नजर आ रहा होगा। तो चलिए इसका टेस्ट करते हैं, क्या डिफरेंस है आपको ऑडियो क्वालिटी, और आराम से आपको मालूम पड़ जाएगा, क्योंकि बहुत से लोग बड़े से बड़े यूट्यूबर बोया माइक को ज़्यादा प्रिफर करते हैं, और मैं इस करूँगा कि बोया माइक ही परचेस करें। तो चलिए अभी जो है इस ऑर्डिनरी माइक है, तो चलिए अभी इंसर्ट करते हैं फोन पे और चेक करते हैं इसकी ऑडियो क्वालिटी कैसी है। ये ऑर्डिनरी माइक है और
मेरे राइट हैंड में बोया माइक है, तो आप इसी से मैं बात कर रहा हूँ, जैसे कि ऑलरेडी इंसर्ट हो चुका है। आप जैसे कि आप मेरी आवाज सुन सकते हैं, तो ऑडियो क्वालिटी कैसी है मुझे पता नहीं है, आप कमेंट करके बताएं कि ऑडियो माइक की क्वालिटी कैसी है और बोया माइक का क्वालिटी कैसी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लें और वीडियो को शेयर करें, क्योंकि जो भी प्लान कर रहे हैं माइक के लिए तो ये भी सजेस्ट करें कि बोया माइक के लिए इस वीडियो को शेयर करें, भी जान सकें कि ऑडियो क्वालिटी कौन से माइक पे बेस्ट ऑडियो फ्लो देता है, तो इसे जरूर शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके। तो जैसे कि मैं बात किया था, होपफुली आपको इसको ऑडियो क्वालिटी समझ में आया होगा कि जैसे इसका कैसा ऑडियो क्वालिटी है। तो चलिए अभी बढ़ते हैं बोया माइक की तरफ। मैं अभी इसे निकाल लेता हूं और अनप्लग भी कर लेता, अनप्लग कर दिया हूं। अभी चलिए इसका डीएसएलआर है, मैं फोन में इंसर्ट करता हूं सबसे पहले। तो इसका काफी लेंथी वायर भी है, इसे आराम से दूर बैठे ही आपको इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी चलिए अभी ये प्लग करते हैं तो जानेंगे कि इसका क्वालिटी कैसा है। चलिए अभी प्लग करते हैं और इसका जो ऑडियो क्वालिटी है आपको भी साफ साफ नजर आ जाएगा ऑर्डिनरी माइक में इसका ऑडियो क्वालिटी कैसा है और बोया का। तो मैंने बोया का माइक प्लग कर लिया हूं और जैसे कि यहाँ माइक भी है, तो और इसका जो ऑप्शन है एक डीएसएलआर का है ऊपर वाला और नीचे जाके फोन का। तो मैंने इसका स्विच बिलो कर चुका हूं, जैसे कि आप देख सकते हैं इसका स्विच नीचे है। अभी जो भी मेरा ऑडियो फ्लो हो रहा है, जैसे कि आप वीडियो में सुन सकते हैं क्या डिफरेंसेस हैं बोया में एक ऑर्डिनरी माइक में, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ऑर्डिनरी माइक और बोया माइक में क्या डिफरेंसेस लगा, जरूर कमेंट करके बताएं। और का जो ऑडियो वॉइस एकदम मस्त फ्लो होता है और जाके बैकग्राउंड नॉइजेस एकदम से रिड्यूस कर देता है, जैसे कि आप ऑडियो मेरी सुन सकते हैं, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि अगर वो भी माइक की तलाश में है इज द बेस्ट, तो वो भी देख लेंगे कि क्या डिफरेंसेस है, विच इज द बेस्ट क्वालिटी ऑडियो बल, वो भी जान सकते हैं। को भी हेल्पफुल हो जाएगी इस वीडियो के जरिए से, बड़े से बड़े यूट्यूबर भी इसे बोया माइक को प्रेफर करते हैं क्योंकि इसका क्वालिटी ऑडियो फ्लो और जो बैकग्राउंड नॉइस है रिडक्ट करता है कंपेयर टू अदर ऑर्डिनरी माइक्स। तो आप भी इस वीडियो को शेयर कर दें, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखें।